तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो पर्पस से आपसे फीडबैक्स लेना, ठीक है, जानना कि क्या सही है क्या गलत है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इसी चीज को लेकर फीडबैक लेना, ठीक है। तो तीन चार चीज ऐसे टॉपिक्स है जिनको लेकर आपसे बातें करनी है अभी मेरे को। सबसे पहला है गिव अवे को लेकर। तो अभी तक लगभग मैंने 50-60 लोगों को गिव अवेज करी होंगी, ठीक है, जिसमें से भाई पोस्ट भी करी है और मोस्टली सिम से ही करी है, ठीक है, उनके एड्रेस पर ऑर्डर कर दिए फ्री में। अभी मैं कोई गिव अवे डालता हूँ, मेगा गिव अवे, इस तरह की चीजें, तो लगभग 600-700 पार्टिसिपेंट रहते ही हैं, ठीक है। उनमें से कितने जीतते हैं, 10 या 20 जैसे मैंने रखा है, ठीक है। बाकी सिमसिम का अनबॉक्सिंग जो गिव अवे जिसमें दो विनर्स होती हैं, उसमें लगभग 150-200 के लगभग कंटेस्टेंट होते हैं, उनमें से दो ही जीतते हैं, ठीक है। तो उसमें से ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग मोस्टली 4-5 लोग तो कहते हैं कि फेक गिव अवे करता है, ठीक है, जो जीत जाते हैं उन लोगों के ऊपर भरोसा हो जाता है। तो ऐसे में बहुत को गिव अवेज मिल रही है, चलो वो तो खुश है, लेकिन बहुत को जिनको गिव अवेज नहीं मिल पा रही है, वो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स से जुड़े हुए मेरे साथ, उनको तो गिव अवे विनर नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, गिव अवे जो नहीं बन पा रहे हैं उन लोग लगने लग रहा है कि फेक गिव अवे होती है, ठीक है। तो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या मुझे गिव अवेज करना बंद कर देना चाहिए या फिर आज से कंटिन्यू कर देना चाहिए, ठीक है। अभी आप कमेंट्स में रिप्लाई करिए, देख क्या सही रहता है, जैसे रिस्पांस रहता है उस तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। बाकी गिव अवेज मेरी क्लियर जेन्युइन होती है और अनबायस्ड ही होती है, क्योंकि मैं भले एक्स के लिए ऑर्डर करूं या वाई के लिए ऑर्डर करूं या जेड के लिए फ्री में ऑर्डर करूं, ठीक है, मेरे को तो उतना पैसा लग रहा है और मैं ना एक्स को पर्सनली जानता हूं, ना वाई को पर्सनली जानता हूं, ना जेड को पर्सनली जानता हूं, तो बात तो बराबर है ना। आप लोग तो मेरे लिए सब सेम है, अभी तक मैंने जितने भी गिव अवेज करे उनमें से आपने एक भी अभी तक गिव अवे नहीं जीता है ना। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि कृपया आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे सिमसिम की वीडियो का अनबॉक्सिंग डालता है तो आपका अनबॉक्सिंग देखने का मन है, देखना ये सामान कैसा आता है, क्या है, जो सामान मैं चाहता हूँ ऑर्डर करना वो सामान कैसा आता है, उस तरीके से आपको इंटरेस्ट है तो देखिए, ठीक है। कंटेंट ही मेन चीज है, ठीक है। बाकी गिव अवेज तो साइड प्रोडक्ट मान लीजिए ना, जैसे आपने कोई कमेंट किया, अगर वीडियो आप देख ही रहे हैं तो कमेंट भी कर ही देते हैं, अगर बाय चांस लग बनता है तो जीतेंगे। ऐसे कोई एक्सपेक्टेंसी बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं तो 1:200, 1:500 ऐसा भी प्रोबेबिलिटी बनता है आपका जीतने का, ठीक है। तो बस एक्सपेक्टेंसी मत बनाए कि एक्सपेक्ट पूरा नहीं होता तो निराशा बनती है। तो बस आप देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, हाँ ये कोड कमेंट करने से हो सकता है चांस जीत सकते हैं, डाल दीजिए। पर से यूट्यूब ऐसे प्रॉब्लम्स भी करता है, तो जैसे कि कोई अनबॉक्सिंग वाला वीडियो डालता है, इसमें दो गिव विनर्स में रखता हूँ, तो फर्स्ट कमेंट वाला में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई फर्स्ट कमेंट करता है तो कभी कभार ऐसा होता है यूट्यूब शो नहीं करता सामने वालों को कि इससे पहले भी कोई कमेंट किया है। हर बार ही ऐसा होता है कि यूट्यूब शो नहीं करता किसी को कि हाँ पहले भी कोई कमेंट कर चुका है, क्योंकि यूट्यूब पहले रिव्यू करता फिर कमेंट को शो करता है मोस्ट ऑफ द चांस, ठीक है। तो लगभग 5 सीजन को लगता है कि हाँ मैंने फर्स्ट कमेंट किया और वो जीता है, ठीक है। ऊपर से जैसे मैं हैशटैग ये कमेंट करने बोलता हूँ तो बहुत कोई हैशटैग आगे पीछे कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं जैसे कि मैं कहता कोड कमेंट करने तो कोड तो एग्जैक्टली डालना होता है तब ना काम करता है, ठीक है। तो फिर मैं उतना ओवरऑल मैं देख लेता हूँ बाकी, लेकिन बहुत 5-6 जन को लगता है कि उसने पहले कमेंट किया, लेकिन एग्जैक्टली तो फर्स्ट कमेंट वही ना होता है जो मेरे को पहले शो करता है। नीचे स्क्रॉल करके जाता हूँ अपने वाइट स्टोर में जो पहले शो करता है, अपने क्रोम में डेस्कटॉप मोड में जाके हैशटैग वो सर्च करता हूँ तो सबसे पहले शो करता है वो होता है। बहुत का ऐसा भी होता है कि फर्स्ट कमेंट करता भी है, ठीक है, फर्स्ट कमेंट करता है उसका अपना ईमेल भी उसी में डाल देता है। तो यूट्यूब क्या करता है, उसका कमेंट का स्पैम फोल्डर में डाल देता है। जिन्होंने वो कमेंट किया तो हम लोग बोलते हैं कमेंट्स डिलीट कर रहा है, फेक गिव अवे करता है, फर्स्ट कमेंट उसी को शो करेगा जिसको वो गिव अवे देना चाहता है, ठीक है, इस तरीके का वो खेल खेला, ठीक है। यहाँ तक बात है फर्स्ट कमेंट में अगर मैं घपला करना चाहूँ तो कोई आराम से नहीं निकालूंगा, कि कोड तो मैं ही डाल रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो डालूंगा बोलो भाई जैसे वीडियो आएगा यल कमेंट कर देना, हो गया उसको मिल गया। तो इस फर्स्ट कमेंट में तो घपला को एंगल्स में कर ही नहीं सकता, ठीक है। और बाकी यार सेकंड कमेंट थर्ड इसमें होता है तो जो सेकंड विनर होता है थर्ड विनर होता है, कभी कभी 3 विनर्स भी रख लेता हूँ, तो सेकंड विनर जो भी होता है 3-4 घंटा में चूज करता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है ये मैं बताता हूँ। जो भी कोई विनर बना मैंने उसका कमेंट रिप्लाई कर दिया और कहा कि अपना ईमेल नीचे रिप्लाई कीजिए, ठीक है, और मैं अपना इस ईमेल से आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा, वहाँ पे अपना डिलीवरी एड्रेस अपना भेज दीजिएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है कि जैसे आप अपना जीमेल भेजते हैं यूट्यूब शो नहीं करता, डिलीट कर देता है, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है उसने नहीं एक्सेप्ट किया, फिर उसने नहीं देखा, 12 घंटा टाइम रहता है, ठीक है, तो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर देता हूँ। तो बाद में पता चलता है कि उसने कमेंट किया था लेकिन यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया। और इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं गिव अवे करने में, जिससे लोगों को लगने लगता है कि हाँ ये फेक गिव अवे कर रहा है, और वो भी अपने एंगल से सही है। तो मेन इस चैनल पर बने रहने के कारण है कॉन्टेंट। और अभी जैसे 2020 का मैंने गोल जैसे कहा ही था पिछला वीडियो में, 31 दिसंबर 2019 में जो मैंने वीडियो में कहा था कि एक्सेलेंस को अचीव करना है, वो है असली गोल इस 2020 में, ठीक है। तो उसी चीज़ को बद रख सकते, मैं फीडबैक ले रहा हूँ, तो आप गिव अवे से फीडबैक दिए कैसा रहा, ठीक है। और दूसरा है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक नया सीरीज शुरू करूँ। बहुत सारे ऐसे न्यू यूजर्स भी जुड़े हैं जिनको पुराने ट्रिक्स वगैरह नहीं पता है या फिर वगैरह वगैरह, तो मैंने अभी तक जितने भी ट्रिक्स वगैरह बताई है उसका अलग लिस्ट बना हुआ है ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उन सबको रिफ्रेश कर दूँ एक बार 2020 में, ठीक है। मतलब इस साल में अभी सब कुछ रिफ्रेश कर दूँ, आने वाले 1-2 वीक में
जितने भी सारे क्लब फैक्ट्री सिम्सन सबके सबको जो भी ट्रिक है अभी वर्किंग है नहीं है अभी क्या तरीका कोई नया तरीका है या फिर सबको एक बार रिफ्रेश कर दूं, न्यू ईयर रिफ्रेशमेंट के नाम से उसको मैं चालू करता हूं सोच रहा हूं, तो न्यू ईयर के नाम से उसको रिफ्रेश कर दिया जाएगा, जितने भी सारे अभी ट्रिक्स वगैरह हैं टिप्स वगैरह हैं सबको रिफ्रेश कर दिया जाएगा। और जहां तक बात मैंने कहा था कि नया चैनल को लॉन्च करने वाला हूं, अभी कंप्लीटली तैयार नहीं है इसलिए मैंने तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, जैसे तैयार हो जाता मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। बाकी 2020 गोल जानते हैं एक्सीलेंस को अचीव करना, तो वो चैनल चाहिए मेरे को, वो चैनल एक दो सप्ताह में मैं क्लियर रेडी होके मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो अभी तक इतनी वीडियो सुने मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं किया था कि आप टेलीग्राम में जुड़े मेरे से, तो अगर आपको 2020 में खूब लूटना है ना तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए मेरे से, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़े उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए और वहां पर रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ट्रिक वगैरह है तो और चैट वगैरह भी करनी है तो @OKRBR में आप टेलीग्राम में मेरे से चैट कर सकते हैं, वहां से मेरे से बातें हो सकती है। अगर आपके पास कोई ट्रिक वगैरह है तो मेरे से आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। और उसका क्रेडिट मैं आपको यूट्यूब में या फिर यूट्यूब में डालता हूँ यूट्यूब में, टेलीग्राम डालता हूँ टेलीग्राम में आपको क्रेडिट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन है रेड बटन क्लिक करके जो बगल में बेल आइकन आया है उसमें क्लिक करके ऑल कर दीजिए ताकि जो फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आप उनको मिस ना करें। ओके बाय, हैव अ गुड डे।